बिल्कुल कवर यानी स्टॉर्म, और वाकई एक मराठी फिल्म जगत का स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि हमारे विश्वास जो प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, गाने भी इन्होंने लिखा है, मल्टी टैलेंटेड यंग मैन। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये गाना मैं गा रहा हूँ बची जिंदगी। और अभी तक तो गाना शुरू नहीं हुआ है, पहले हम लोग आपको रिलीज कर लें, फिर गाना करेंगे अंदर जाते हैं। गाना रोमांटिक गाना है? नहीं नहीं, चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर, बच्ची के लिए है। अच्छा, बच्ची के लिए है, जो मैं तू माझी जिंदगी तू माझी बंदगी, ऐसा है ना, आई लो आते आते तू माझी जिंदगी तू माझी बंदगी, इस तरह का भी करना है। तो बच्चे के लिए गाना है, जैसे आप देख रहे हैं पोस्टर में भी, आप समझ रहे हो बच्ची के साथ चल रहे हैं हमारे विश्वा जी जो हीरो हैं, जगन्नाथ जी डायरेक्टर, फिल्म बना, बड़ा फैन पहले गाने से लेकर बहुत सुनता है, और आज उसका सपना पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब जैसे बताएंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही गाना है, इनका गाना है, हम तो बस आके आवाज़ देते हैं उसका, तो जो भी कहेंगे वैसे ही करेंगे। और गाना मैंने जो थोड़ा सा उन्होंने भेजा था व्हाट्सएप में, तो सुना तो बहुत अच्छा गाना है, थोड़ा सूफी टाइप का गाना है और अच्छे बीट से। अभी डायरेक्टर हाँ, फिल्म कावर से डायरेक्टर है जगन्नाथ रंगोर में बना हुआ है। ये फिल्म एक्चुअली एक लहान मुली वर्ग के आधार है, ये हमसे प्रोड्यूसर्स है, आणि हे आपलं लीड स्टारकास्ट विश्वास आहे। एका लहान मुलीवरती आधारित, तिची आईवडील गेलेले असतात ॲक्सिडेंटमध्ये, कार ॲक्सिडेंटमध्ये, आणि एक बॅचलर मुलगा तिला कशाप्रकारे जोपासतो, आणि जोपासताना जो समाजाकडून मिळणारा जो त्रास, इवन त्याच्या घरातून मिळणारा त्रास, हा चित्रपटाच्या द्वारे दाखवणार आहे। की आजकाल आपल्याला म्हणजे बोटावटी मोजण्या इतकेच लोक असे आहेत, की ती लोक हजारो लोकांना जवळ करून निस्वार्थपणाने त्यांचं पालनपोषण करतात, पण ह्या मुलीला सांभाळण्यासाठी तो जो केलेला प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये येणारे अडथळे या चित्रपटात दाखवलेले आहे। आणि ही जी लहान मुलं आहेत आजकाल खूप मॅच्युअर झालेले आहेत, त्याच्यामुळे तिला कळतं की माझ्यामुळेही लोकांना त्रास होऊ नये, आणि ती घर सोडून निघून जाते एका आश्रमाच्या शोधात, आणि ह्या चित्रपटाचा प्रवास एक चालू होतो, आपण तो चित्रपटामध्येच बघूया मेन म्हणजे। आणि हे जे ह्या चित्रपटाची निर्मिती ब्ल्यू फेदर प्रोडक्शन्स करते, आणि त्या प्रोडक्शनला माझ्याकडून खरोखर मी आभारी आहे त्यांचा, म्हणजे आमचे प्रोड्युसर्स इथे आलेले आहेत, ओके, मिस्टर राजीव चोपडा आणि सुशील मेहता सर। लोकेशन अभी फायनल होनी बाकी आहे, लेकिन मूवी की स्टोरी हमने सुनी, जगन्नाथ जी ने सुनाई, और कितनी सोशल मतलब कॉज के लिए है, तो स्टोरी पसंद आई, इमीडिएटली हमने बोला कि ये इमीडिएटली इसकी मूवी का रिलीजिंग चालू करिए। दैट्स वी ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हैं हम लोग ने, इट इज़ इन प्रोसीजर, ऑडिशन हम लोग प्रोसीजर में है, शॉर्टली हम लोग होते ही हम लोग वी आर प्लानिंग इट द शेड्यूल इन समथिंग लाइक नवंबर 20 तारीख से हम लोग प्लान जी। विश्वा जी ने हमें जब ये इसकी स्टोरी सुनाई तो बहुत हार्ट टचिंग मूवी उनको लगी, और हमको लगा कि इसको एक्चुअली पर्दे पे आना ही चाहिए, तो आपका जो प्रस्ताव था उसको हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और हमको इस मूवी अपने को बना नहीं है, ये जो मूवी बन रही है मतलब आप समझिए कि ये एक फेस्टिवल लेवल की जो मूवी होती है वो उस स्तर की ये मूवी है, तो उसमें आगे की तो आपको सब अपडेट्स मिलेगी, लेकिन आप एकदम बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है में आके काम करते हैं। कोई कोई लोग जो है जो पीछे रह के भी बहुत बड़े काम करते हैं, उसमें से मेरे दोस्त मिस्टर विजय पढ़वा साहब वो भी है, कि जैसे कि इन्होंने भी हम लोग को बहुत सारा ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए बोला कि एक प्रोत्साहन मिला है हम लोगों को, सो इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ टू इट्स फॉर एवरीवन एंड फॉर द इंडस्ट्री टू, कि हमें एक मराठी फिल्म बनाने के लिए सभी का प्रोत्साहन मिल रहा है, और अपना महाराष्ट्र से ग्रेट थिंग, और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोत्साहन मिले और हमें थिएटर्स अच्छे से मिले, और हमारी फिल्म को लाइक यू नो लाइक द सब्जेक्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू सब्जेक्ट, और शॉर्टली हमारा सारे चीज़ें हम प्लानिंग्स ही वैसे हैं कि ये फिल्म अपन फेस्टिवल के थ्रू ही हम रिलीज़ करना चाहते हैं। शुभकामनाएँ देना चाहूँगा जी, बच्चों के ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, मराठी फिल्मों के दिन जो बदल गए हैं। जब मैंने पहली मराठी फिल्म बनाई थी बिंदास, तो उसकी लॉन्च के लिए प्रीमियर को सुनील दत्त साहब आए थे,
और सुनील दत्त साहब ने कहा था कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री ही हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की गंगोत्री है और ये गंगोत्री सूखनी नहीं चाहिए। तो आज करीबन 17-18 साल के बाद माहौल बदल गया है। आज मराठी फिल्में बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। इसमें से वाकई कुछ फिल्में बहुत ही अच्छी है और न सिर्फ अच्छी है बल्कि भारतीय सिनेमा को दिशा देने की ताकत रखती है। और आज जो मराठी फिल्म बन रही है ये फिल्म अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बन रही है। जैसे सैराटा भी फिल्म आई थी, सक्सेसफुल हुई। अभी ये जो फिल्म है इसकी स्टोरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और अलग अलग प्रयोग मराठी भाषा में हो रहे हैं, ये सब एक बहुत ही अच्छी बात है। और मराठी फिल्म बननी चाहिए और मराठी फिल्में लोगों को देखनी चाहिए और सभी थिएटर्स, सभी फिल्में सिनेमा घरों तक पहुँचनी चाहिए। मराठी भाषा का दुख ये है कि फिल्में बनती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सिनेमा थिएटर तक बहुत कम फिल्में पहुँचती है।